Hello students, my name is Dr. Jyoti and I welcome you all to the online platform of Vedanta Academy. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में. आपके जो इंडेक्स होते हैं, जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है या आपका करप्शन से रिलेटेड इंडेक्स होता है, तो उसमें कंट्रीज जो होती हैं उनकी रैंकिंग आती है कि किस कंट्री ने टॉप किया है, किस कंट्री ने लीस्ट नंबर पे आई है. और इंडिया, क्योंकि हम लोग भारत के हैं तो हमें पता होना चाहिए. अपने एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है कि इंडिया किस नंबर पर रहा है, इंडिया की पोजिशन क्या रही है उस प्रॉपर इंडेक्स में या जो वो रिपोर्ट आई है उसमें. तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है. जितने भी इंडेक्सेस अब आए हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अब. ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करप्शन वाले इंडेक्स से और उसमें देखेंगे कि भारत का स्थान कहाँ पर है और किस कंट्री ने टॉप किया है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021. उसमें डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड ने टॉप किया है और इंडिया को 85th पोजीशन मिली है. अगर हम बात करें ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की तो उसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और भारत को पोजीशन मिली है 119वीं. अगर हम बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, तो वहां पर टॉप किया है आपका यूएसए ने और इसमें इंडिया को मिली है 66th पोजिशन. एशिया पावर इंडेक्स में भारत का हाल कुछ अच्छा है, यूएसए ने इसमें टॉप किया है और भारत को इसमें 4th रैंक मिली है. अगर हम बात करें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में चाइना टॉप पर है और भारत दूसरे स्थान पर है. तो जो आपका जहाँ पे इंडिया का ज्यादा अच्छा स्थान होता है ना, तो उसके भी चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चन में आने के, पेपर में आने के लिए. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो उसमें आपका स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और इंडिया को 46th प्लेस पर रखा गया है. इंडिया की जो रैंक है वो 46th आई है. अगर हम बात करें रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स की, रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स की, तो उसमें डेनमार्क ने टॉप किया है और इंडिया को 79th प्लेस पर रखा गया है. एंड देन वी टॉक अबाउट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो उसमें आयरलैंड जो है वो टॉप पर है, आयरलैंड टॉप पर है और इंडिया को मिली है 71वीं पोजीशन 71. ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी भारत के जो हाल है वो ठीक नहीं है, 101 नंबर पर है, 101वें नंबर पर है और आपका बेलारूस ने टॉप किया है. ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका सिंगापुर इज ऑन द टॉप एंड भारत की स्थिति 122वें नंबर पर बनी हुई है. अब आगे चलते हैं एंड आप सभी लोग स्मार्ट हो तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा. ओके, अब हम बात करते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स. इसके ये चांसेस ज्यादा होते हैं जो आजकल, क्योंकि क्राइम भी क्या है आपका, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो इस तरह के इंडेक्स और इस तरह से रिलेटेड जो न्यूज है उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स यूएसए और इंडिया का स्थान है 10th. वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इंडोनेशिया, इंडिया ऑन 14th. ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स स्विट्जरलैंड एंड इंडिया इज ऑन 43rd. वर्ल्ड पीस इंडेक्स आइसलैंड, इंडिया 135. वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्वीडन, इंडिया 87th पर है. बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की अगर हम बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आपको ऐसे जो कंट्रीज है ना, आपको ये हर जगह आपको टॉप पे मिलेंगे इन सब मामलों में. और इंडिया की हालत देखें तो 142वें नंबर पर है, जो कि बहुत ज्यादा दयनीय है. हैप्पीनेस, हमारा देश खुशियों से भरा है, तो लेकिन उसका जो स्थान है वो भी एक बार देख लेते हैं. फिनलैंड ने टॉप किया है और बड़े दुख के विषय है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस में भी हमारा जो स्थान है वो 139th है. अब अगर बात करें इकोनॉमिक फ्रीडम की, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो उस इंडेक्स में आपका जो सिंगापुर है उसने फिर से टॉप किया है और भारत का स्थान 121वां है. अगर बात करें बिजनेस टू कस्टमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स की, B2C कॉमर्स इंडेक्स की अगर बात करें, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, भारत 71वें स्थान पर है. और अगर बात करें ई गवर्नमेंट
डेवलपमेंट इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें डेनमार्क, साउथ कोरिया, एस्टोनिया ने टॉप किया है। ये 3 टॉप कंट्रीज हैं और भारत का स्थान है 100वां, किसमें? ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये ऐसी चीजें होती हैं, ये जो छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाई जा रही है, वो किस लिए पहुंचाई जा रही है? आप चलते फिरते खाना खाते हुए इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आपके लिए इन सब चीजों को अलग अलग लेकर आ रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर कुछ छूट गया है या आपको लगता है ये भी होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताना चाहिए आपको। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपके हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है और आपको लगता है कि वो थोड़ा टफ है, तो देन लेट अस नो, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नाउ कंटिन्यू, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स की अगर हम बात करें, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की अगर हम बात करें, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, उसमें आपका मोजाम्बिक जो है टॉप पर है और 7th रैंक मिली है आपकी इंडिया को। अगर हम बात करें ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग की, उसमें यूएसए टॉप पर है और भारत का चौथा स्थान है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स सिंगापुर 116 पर भारत है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, हांगकांग जो है टॉप पर है और भारत का 105वां स्थान है। उसके बाद ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, यूके ऑन टॉप, इंडिया 34th। अगर वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स की बात करें तो सिंगापुर टॉप, 43rd पर भारत। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क आपका टॉप है और 168th रैंक भारत की है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन टॉप पर है और भारत का 74वां स्थान है। और ग्लोबल टेररिज्म, तो इसको सब जानते हैं कि अफगानिस्तान टॉप पर है और भारत का भी इसमें कम ज्यादा नहीं है, 8वें नंबर पर भारत है। अगर बात करें फर्स्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, फर्स्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो डेनमार्क उस पर पहले स्थान पर है और भारत का उसमें 76वां नंबर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है और भारत का 140वां स्थान है। अगर हम जेंडर गैप की बात कर रहे हैं तो जेंडर गैप की 140वां स्थान है भारत का। नाउ सम मोर, डूइंग बिजनेस इंडेक्स, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो टॉप किया है न्यूजीलैंड ने, भारत 63rd पर है। फिर बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स की 2020, नॉर्वे टॉप पर है, भारत का 53वां स्थान है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है और भारत को 131st प्लेस मिला है। अगर हम बात करें लेगेटम प्रोस्पेरिटी इंडेक्स, तो डेनमार्क टॉप पर है, भारत 101 के शगुन का जो नाम होता है 101वें स्थान पर है। अगर बात करें वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स की, तो नॉर्वे टॉप पर है और भारत का 133वां स्थान है, 133वां। अगर बात करें आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें, स्विट्जरलैंड टॉप पर है, भारत 62वें नंबर पर है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें, सिंगापुर टॉप पर है, सिंगापुर टॉप पर है और भारत का 68वां स्थान है। बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस की, डेनमार्क टॉप पर है और भारत का 10वां स्थान है, यहाँ पर कुछ अच्छा है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में यूएसए टॉप पर है और भारत का 40वां स्थान है, 40th प्लेस। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, स्विट्जरलैंड टॉप पर है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है और भारत का 72वां नंबर है, 72th प्लेस पर है। तो ये सारे इंडेक्सेस आपको याद रखने हैं और स्पेशली इसमें आपको याद रखना है भारत की पोजीशन, कि भारत किस स्थान पर है, भारत की जो रैंक है इस फलाने फलाने इंडेक्स में वो कौन से नंबर पर है। सो दिस वाज अबाउट द इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो आज हमने एक्सप्लेन किए हैं आपको, और होपफुली कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया होगा देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।